आपके आ जाने से कि वेदिका और साहिल, गेस व्हाट, अब वेदिका का साहिल नील बनकर ना किसी और से शादी करने वाला है। भैया यही तो कहानी है छोटे पर्दे की, यहाँ लोग किरदार और नाम के साथ साथ रोल भी बदल लेते हैं, देखिए ना। इंसाफ के लिए हर हद को पार करेंगे, नील और चाहत दोनों में जुनून है, दोनों को बदला लेना है और साथ ही दोनों को इंसाफ चाहिए, एक को अपनी बहन के लिए तो दूसरे को अपने पापा के लिए। अब यही चीज चाहत और नील को एक रिश्ते में बांधेगी। साहिल और नील में इतना अंतर नहीं होगा, वो भी बड़े दिल का आदमी है, इमोशनल सेंसिटिव था और नील भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो एक ऑनसेंबल कास्ट है। दो परिवार हैं यहाँ पे और दो परिवारों के बीच जो ड्रामेटिक इंटरफेस है और जैसे चीज़ें आगे चलती है वो है। इट्स अ स्टोरी अबाउट टू गाइज इज़ वेल, नील एंड चाहत, हु बाय कोइंसिडेंस कम अक्रॉस ईच अदर इन ईच अदर्स लाइव्स और उसके साथ साथ कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और कैसे वो अपने फैमिलीज़ के लिए कभी कभार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ उन्हें अपने परिवार के लिए खड़ा होना पड़ता है, एंड सिमिलरली फॉर चाहत इज़ वेल। तो कहीं ना कहीं एक टू एंड फ्रो है, प्यार नफरत एट द सेम टाइम। आग बहुत है इस शो में, बहुत सारी इंटेंसिटी है, जहाँ नील एक बहुत ही स्टैंड लेने वाला बंदा है, बहुत ही इंटेंस क्रेज, इज़ अ वाइल्ड चाइल्ड, एंड उसके अलावा चाहत इज़ अ लिटिल सटल, एंड कैसे नोक जोक और चीज़ें अनफोल्ड होती है वो आपको पता चलेगा। जी टीवी की नई पेशकश है सीरियल कुर्बा हुआ। इस सीरियल में आपको करण जोटवानी नजर आएंगे, जिन्हें आप पहले कभी सीरियल आपके आ जाने से में साहिल के किरदार में देखा करते थे, तो वहीं इस सीरियल की नायिका यानी कि चाहत का ये नया शो है। स्टार्टिंग में मेरा लुक बहुत ज्यादा वेस्टर्न भी होगा, इंडो वेस्टर्न होगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ डॉक्टर और मैं दिल्ली से पढ़ी हुई हूँ, तो पूरा टिपिकल हिंदी पूरा सूट नहीं होगा, जीन्स भी होगी। बट देन आफ्टर मैरिज तो आई गेस कि पूरा सूट होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल शी इज़ मैरिड टू अ वेरी हिंदू फैमिली जहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर को फॉलो करते हैं। रिश्तों के भंवर में ये दोनों कुछ ऐसे उलझते जाएंगे कि इनका रिश्ता अटूट हो जाएगा और उसके बाद इनकी प्रेम कहानी एक मिसाल बनेगी, ऐसा लग रहा है। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।